नमस्कार दोस्तों आप सबों का स्वागत है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा मैट्रिक परीक्षा यानी कि क्लास वन से टेन तक क्लास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इसके बीच में लिया जाता है तो दोस्तों खास करके क्लास फाइव से और टेन के बीच में जितने भी वी वी आई प्रश्न हैं उसको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अगर आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा तो दोस्तों आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखें 2023 में विज्ञान में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में क्या नया पैटर्न रहने वाले हैं उसे अच्छे से समझेंगे तो चलते हैं प्रश्न की ओर पहला प्रश्न है प्रकाश की चाल सार्वधिक होती है प्रकाश की चाल सार्वधिक होती है तो सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल कहाँ होती है निर्वात में अब कहिएगा दोस्तों कि निर्वात क्या होता है तो निर्वात होता है शून्य जहाँ की गुरुत्वाकर्षण नहीं है हवा नहीं है यानी कि वायुमंडल ही नहीं है उसे हम लोग क्या कहते हैं निर्वात कहते हैं जो हम यहाँ बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं ये चीज वहाँ पे नहीं होता है जैसे कि चंद्रमा पे निर्वात है शून्य होता है तो वहाँ भी प्रकाश का चाल क्या होता है सर्वाधिक होता है अगला प्रश्न है प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया यानी प्रकाश वेग को प्रकाश वेग को सर्वप्रथम किसने मापा तो रोमर ने नापा था अगला प्रश्न है निर्वात में प्रकाश की चाल देखिए प्रकाश की चाल उतना ही रहता है जितना कि पृथ्वी पर है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है तीन गुना दस पे पावर आठ मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है तीन गुना तीन गुना दस पे पावर आठ मीटर प्रति सेकेंड और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है आठ मिनट बीस सेकेंड और चंद्रमा का आने में लगता है सवा सेकेंड चलते अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न आप देख रहे हैं अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है क्यों सूर्य प्रकीर्णन के कारण सूर्य प्रकीर्णन के, के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है अगला प्रश्न है समुद्र का जल नीला दिखाई देता है समुद्र का जल नीला दिखाई देता है किसके कारण प्रकाश के प्रकीर्णन के, के कारण समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है तो आप आप सब याद रखिएगा समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण अगला प्रश्न है तारे टिमटिमाते हैं तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश अपवर्तन के कारण याद रखिएगा तारा क्यों टिमटिमाता है प्रकाश के अपवर्तन अपवर्तन याद रखिएगा उस समय होता था प्रकीर्णन होता था इसमें अपवर्तन है तारा क्यों टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण अगला प्रश्न देखिए रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा रेटिना यानी कि जो हमारे आंख में जो प्रतिम बनता है आपको प्रश्न पूछाता है कि आंख में वस्तु का प्रतिम कहां बनता है तो आप लोग कहते हैं रेटिना यानी परित भी एक आता है दोस्तों इसको कहा जाता है तो रेटिना तो रेटिना पर कैसा प्रतिम बनता है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा अगला प्रश्न देखते हैं समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है अब समतल दर्पण जो हम लोग घर में आईना जो यूज करते हैं यह समतल दर्पण है हम लोग घर में जो आईना यूज कर रहे हैं यह समतल दर्पण है और उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है तो काल्पनिक वस्तु के बराबर बनता है हाँ जितना जितना बरा हम मतलब वस्तु के बराबर बनता है तथा सीधा बनता है तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा वस्तु तथा सीधा बनता है अगला प्रश्न है प्रकाश का सबसे अच्छा प्रावर्तक किसे माना जाता है प्रकाश का सबसे अच्छा प्रावर्तक किसे माना जाता है तो समतल दर्पण को यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है समतल दर्पण को प्रकाश का सबसे अच्छा प्रावर्तक किसे माना जाता है समतल दर्पण को अगला प्रश्न है दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दो समांतर दो समांतर दर्पण दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत आप इस बीच में देखिए एक दर्पण ये हो गया एक दर्पण ये हो गया दोनों तरफ से दर्पण है जब आप बीच में रहिएगा तो आपको बहुत इसमें तस्वीर बना हुआ दिखाई देगा जैसे कि आप सैलून में गए होंगे तो सैलून में जैसे कि दोनों तरफ शीशा लगा रहता है तो आप जब बीच में खड़े रहते हैं या बैठते हैं तो देखिएगा उस पर जो कुर्सी बैठते हैं बाल कटाने वक्त तो आपका पीछे और आगे बहुत इमेज बनता है तो वह दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिमा कितना बनता है अनंत बनता है अगला प्रश्न है हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है तो हवा का बुलबुला जल में व्यवहार कैसा करता है अपतल लेंस की भांति करता है अपटल लेंस की भांति करता है हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अपटल लेंस की भांति अपटल लेंस की भांति करता है अगला प्रश्न है विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है विद्युत का जो फ्यूज तार होता है वो किसका मिश्रण होता है तो विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा टीन तथा सीसा तांबा टीन तथा सीसा का होता है विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा टीन तथा सीसा का अगला प्रश्न देखिए हीटर का तार बना होता है हीटर का तार बना होता है किसका नाइक्रोम का हीटर का तार किसका बना होता है नाइक्रोम का अगला प्रश्न है बल्ब का फिलामेंट बना होता है बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है का बल्ब का बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है का यह तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब में भरे जाने वाला गैस विद्युत बल्ब में भरे जाने वाला गैस क्या है नाइट्रोजन विद्युत बल्ब में भरे जाने वाला गैस क्या है नाइट्रोजन नाइट्रोजन अगला प्रश्न है ट्यूब लाइट में भरा होता है ट्यूब लाइट में भरा होता है तो ट्यूब लाइट में क्या भरा होता है पाड़े का वाष्प व वा आर्गन पाड़े का वाष्प व वा आर्गन होता है अगला प्रश्न है दोस्तों थोड़ा धुंधला आ चुका है तो आप सभी चलिए तो प्रैक्टिस के लिए दोस्तों ये प्रश्न बीच में आ गया है तो चलिए इसको हो यह गया तो उसको छोड़ देते हैं आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं हाँ आगे की ओर आगे की ओर यहाँ से यहाँ से हाँ चलिए ये हो गया था कि हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का बल्ब का फिलामेंट बना होता है टिंग का अब विद्युत बल्ब में भरे जाने वाला गैस नाइट्रोजन होता है और ट्यूब लाइट में भरा होता है ये सभी हो गया था आपका यहाँ से आएगा अब फ्यूज फ्यूज का तार बना होता है शीशा और टीन का हाँ फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व होता है फोटोग्राफी जो होता है दोस्तों उसमें कौन सा तत्व उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर ब्रोमाइड का याद रखिएगा फोटोग्राफी में उपयोग उपयुक्त तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड का अगला प्रश्न है फोटोग्राफी में फिक्सर मतलब स्थानीकरण के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थाई का अगला प्रश्न है फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है तो औग्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है औग्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है अगला प्रश्न है तेल द्वीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है तेल द्वीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है किसके कारण केसवित क्रिया के कारण केसवित क्रिया के कारण अगला प्रश्न है हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनाने का कारण है हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनाने का कारण है पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन याद रखिएगा हीरा चमकता ज़्यादा कैसे है जब पूर्ण पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन हो जाता है यह मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है पूर्ण मतलब प्रकाश को पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन याद रखिएगा अगला प्रश्न है भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई है भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई है यानी कि भूमि से लेकर के ऊपर में जो कि उपग्रह छोड़ा गया है जिससे हम लोग मोबाइल टीवी, टेलीविजन ये सब जो चलाते हैं किसके कारण चलता है इसी उपग्रह के चल कारण चलता है तो यहाँ से ऊपर कितना है छत्तीस हज़ार किलोमीटर याद रखिएगा ऑप्शन ऑप्शन तो नहीं है दोस्तों लेकिन ये एक नंबर है है वन क्वेश्चन तो चलते अगले प्रश्न की ओर यादत हो गया बोल देते बीच में तो देखिए सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है नाभिकीय संलयन अगला प्रश्न है रॉकेट की गति आधारित है रॉकेट की गति आधारित है किस पे संवेक संरक्षण के सिद्धांत पर संवेक संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट की गति आधारित है संवेक संरक्षण के सिद्धांत पर अगला क्वेश्चन है याद करवा देंगे दोस्तों आपको यह ये सब प्रश्न मानव नेत्र कार्य करता है उत्तर लेंस की तरह याद रखिएगा मानव नेत्र यानी कि हम लोग का आंख जो है ना वो कार्य कैसे करता है उत्तर लेंस की तरह करता है हम लोग में उत्तर लेंस है आंख में लगा हुआ तो मानव नेत्र कार्य कर कार्य करता है उत्तर लेंस की तरह या उत्तल लेंस की भांति अगला प्रश्न है निकट दृश्य दोष निकट दृश्य दोष मायोपिया आपको बिहार बोर्ड मेट्रिक एग्जाम विज्ञान पूछ देगा कि मायोपिया के नाम से किसे जाना जाता है तो ऑप्शन में रहेगा आपको निकट दृश्य दोष तो लगा दीजिएगा क्योंकि निकट दृश्य दोष मायो, मायोपिया को भी कहा जाता है तो दूर किया जाता है किससे निकट दृश्य दोष को दूर किया जाता है अपतल लेंस का प्रयोग अगला प्रश्न है निकट दृष्ट दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाने हो जाना ये आपको कारण हो गया दो नंबर में लिख सकते भी, लिख भी सकते हैं अगला प्रश्न है, है दीर्घ दृष्ट दोष हाइपरमेट्रोपिया दूर क्या जाता है किससे उत्तर लेंस से तो दूरदृष्ट दोष दीर्घ दृष्ट दोष किससे मतलब ठीक किया जाता है उत्तर लेंस से प्रयोग करके ठीक किया जाता है उत्तर लेंस से अगला प्रश्न है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पे नाभिकीय विखंडन पर अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है किस पे नाभिकीय संलयन पर याद रखिएगा हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन याद रखिएगा परमाणु बम का सिद्धांत आधारित ना है नाभिकीय विखंडन पर और हाइड्रोजन बम सिद्धांत ना है नाभिकीय संलयन पर क्या चेंज है हाइड्रोजन बम संलयन और परमाणु विखंडन चलिए याद रख सकते हैं आराम से ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है आपको पूछ देगा और चार ऑप्शन रहेगा तो वहाँ ऑप्शन में एक ऑप्शन रहेगा क्या कार्बन डाइऑक्साइड लगा दीजिएगा एकदम सही हो जाएगा तो ग्रीन हाउस प्रभाव गैस किसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को इसका सूत्र भी होता है दोस्तों याद रखिए रखिएगा सी ओ टू दाढ़ी बनाना तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है तो दाढ़ी बनाना तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है क्या प्रयोग होता है अपतल दर्पण अपतल दर्पण लेंस भी रहेगा ऑप्शन में लेकिन याद रखिए दाढ़ी बनाना तो दाढ़ी बनाएंगे लेंस से नहीं है ना अपतल दर्पण से ना आईने से ना तो दाढ़ी बनाना क्योंकि इसका प्रयोग क्यों जाता है क्योंकि इसमें बड़ा इमेज बनता है अवतल दर्पण में बड़ा इमेज बनता है इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है तो डायरी बनाने में आँख, नाक कान की जांच करने में चलते अगले प्रश्न की ओर प्रश्न है आपका एच द्वारा होने वाला रोग तो एच द्वारा रोग कौन सा होता है एड्स एड्स होता है सार्स है एक सार्स है एक क्या एक विषाणुजनित रोग शार्थ क्या है एक विषाणुजनित रोग है लेंस की क्षमता का मात्रक है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है डायोप्टर लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर अगला प्रश्न है ज्योतिष तीव्रता का मात्रक है कैंडेला ज्योतिष तीव्रता का मात्रक क्या है कंदेला ज्योतिष तीव्रता का मात्र क्या है कंदेला अगला प्रश्न है वायुमंडल की अद्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की अद्रता मापा जाता है किससे हाइग्रोमीटर से अगला प्रश्न है द्रव का आपेक्षित घनत्व मापा जाता है हाइड्रामीटर से द्रव का आपेक्षित घनत्व मापा जाता है हाइड्रामीटर से अगला प्रश्न है बर्फ की गुप्त उष्मा है बर्फ की गुप्त उष्मा है अस्सी किलो कैलोरी का अस्सी किलो कैलोरी का अगला तो प्रश्न है प्रभाव संबंधित है डॉपलर प्रभाव संबंधित है धोनी से अगला प्रश्न है समुद्र दूरी मापने की इकाई क्या है समुद्र की दूरी मापने की इकाई तो है नोटिकल मिल नोटिकल मिल अगला प्रश्न है पी एच मान का निर्धारण किया था पी एच मान का निर्धारण किसने किया था या पी एच मान का खोज किसने किया था सोरेन्सन ने अगला प्रश्न है, उदासीन, है उदासीन बिलियन का पीएच मान होता है हमेशा सात उदासीन बिलियन का पीएच मान, मान होता है हमेशा सात अम्लीय बिलियन का पीएच मान हमेशा होता है सात से कम अम्लीय होता है सात से कम छारिय बिलियन का पीएच मान होता है सात से अधिक सात से अधिक जैसे उदाहरण जल क्या होता है उदासीन होता है तो उसका मान कितना होता है सात का पीएच मान कितना होता है टू पॉइंट फोर तो नींबू क्या है अम्लिया है छार क्या है छार जैसे रक्त रक्त क्या है छार है तो रक्त का मान कितना होता है सात पॉइंट चार यानी छार ये होता है सात से अधिक अम्ल होता है सात से कम उदासीन होता है सात के बराबर तीनों अच्छे से समझ गए होंगे आप चलते अगले प्रश्न की ओर प्रश्न है शुद्ध जल का मान होता है शुद्ध जल का मान होता है सात तो पॉइंट लगा उधर उसका मन ही ना है अगला प्रश्न है अम्लों का स्वाद होता है अम्ल का स्वाद होता है क्या खट्टा अम्ल का स्वाद होता है खट्टा छार का स्वाद होता है करवा छार का स्वाद होता है किसका करवा जिसको तीखा कहते हैं तीखा अगला प्रश्न है जल में घुलनशील भस्म कहलाता है छार जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है छार कहलाता है अगला प्रश्न है नीले लिटमस पत्र नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है लाल कर देता है कौन करता है नीले लिटमस पत्र को नीला लिटमस पत्र को अम्ल जो है कि वह लाल कर देता है याद रखिएगा और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है छार याद रखिएगा छार जो है कि नीला कर देता है और अम्ल क्या करता है लाल कर देता है नीले लिटमस पत्र को अच्छे से याद रखिएगा एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल अम्ल ने लाल कर देता है और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है छार यानी कि छार ने लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है अगला प्रश्न देखिए अम्ल में कौन सा तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है अम्ल में कौन सा तत्व परमाणु अनु, अनु परमाणु अनिवार्य रूप से अनिवार्य रूप से यानी कि हमेशा रहता है तो हाइड्रोजन रहता है अगला प्रश्न है प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है लाइकेन से अगला प्रश्न है लिलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है दस पे पावर माइनस पाँच से में। तो दोस्तों ये सभी तो प्रश्न हो चुका है आपका ये सभी प्रश्न हो चुका है ये सभी भी हो चुका है तो दोस्तों यह सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे थे और ऐसा है प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पर इसमें बहुत प्रश्न ऐसा था जो कि पूछे गए थे और अगर कुछ नया करेगा तो इसी तरह का नया कर सकता है अगर आप यहाँ तक देखते हुए आए तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें फिर मिलते हैं शाम में जय हिंद जय भारत